हाय गाइस वेलकम टू पीएलसी आज के इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पर चर्चा करेंगे पिछले वीडियोस में हमने इनहेरिटेंस को अच्छे से समझाया है अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर उसे देखिए फिर इस वीडियो को देखिए तो इसमें हम लोग इनहेरिटेंस के कुछ टाइप को देखेंगे सिंगल इन्हीटेंस मल्टी लेवल इन्हेरिटेंस मल्टीपल इन्हीटेंस हेराल इन्हीटेंस हाइब्रिड इन्हेरिटेंस

उसको क्लास भी इनहेरिट कर रहा है तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होगा इसे हम सिंगल इनहेरिटेंस बोलेंगे क्यों क्योंकि यहाँ केवल एक ही बेस क्लास होगा और एक ही ड्राइव क्लास होगा एक बेस क्लास को केवल एक दूसरा ड्राइव क्लास ही इनहेरिट कर रहा है इसमें कहीं से तीसरे क्लास का कोई रोल नहीं है तो इस तरह के इनहेरिटेंस को हम क्या बोलेंगे सिंगल इनहेरिटेंस जिसमें एक सिंगल बेस क्लास होगा और एक सिंगल ड्राइव क्लास होगा बस इस तरह का कहीं आपको अरेंजमेंट दिखता है तो आप बेशक बोल सकते हैं बोल सकते हैं कि वो सिंगल इनहेरिटेंस है डिफिनेशन में भी वही है इन सिंगल इनहेरिटेंस ओनली वन ड्राइव क्लास इज इनहेरिटेड बाय वन बेस क्लास ओनली मतलब एक बेस क्लास को एक ड्राइव क्लास ही इनहेरिट कर सकता है ठीक है चलिए अगर इसका हम कोड लिखना चाहें तो इसका कोड कैसा होगा आइए एक कोड लिखते हैं छोटा सा एग्जाम्पल लिखते हैं ये आपका क्लास ए हो गया एक क्लास ए में क्या है एक मेंबर वेरिएबल है जिसका नाम है एक्स और एक फंक्शन है मेंबर फंक्शन है जिसका नाम है डिस्प्ले और इस डिस्प्ले में कुछ नहीं हो रहा है क्लास ए एक मैसेज को प्रिंट किया जा रहा है ठीक है तो आइए अब एक और क्लास बनाते हैं क्योंकि दो क्लास एकदम मस्ट है इनहेरिटेंस में और सिंगल इनहेरिटेंस में दो ही होना चाहिए तो दूसरा क्लास बनाते हैं क्लास बी ये दूसरा क्लास भी हो गया तो क्लास ए को इनहेरिट करना है हमें तो इनहेरिटेंस तो करना होगा इनहेरिटेंस करने के लिए हमें क्या करना होता है जो भी आपने नया क्लास बनाया है उसके सामने उसके नाम के सामने क्लोन लगाकर पब्लिक कीवर्ड लगाते हैं पब्लिक की लगाते हैं और जो भी आपके पास पुराना क्लास है उसका नाम लिख देते हैं तो यहाँ पे पुराना क्लास मेरे पास कौन सा है ए तो अब हो गया प्रॉपर इनहेरिटेंस मतलब ए को बी इनहेरिट कर रहा है क्लास ए को क्लास बी इनहेरिट कर रहा है अब हमें क्या करना होगा एक मेन फंक्शन बनाना होगा और उस मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो ऑब्जेक्ट हम किसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट हमेशा ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो चलिए हम लोग मेन फंक्शन बनाते हैं तो यहीं पे साइड में हम मेन फंक्शन बना लेते हैं ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं क्लास का नाम और फिर ऑब्जेक्ट का नाम तो ऑब्जेक्ट का नाम हमने दे दिया स्मॉल बी और ऑब्जेक्ट के नाम को यूज करते हुए डॉट ऑपरेटर के सहारे जो भी डाटा मेंबर है या मेंबर वेरिएबल है हम उसको क्या करेंगे कॉल करेंगे तो एक्चुअली तो एक्चुअली जो मेंबर वेरिएबल है उसके साथ हम किसी तरह का कोई काम नहीं करेंगे मतलब उसमें हम वैल्यू वगैरह इन्हें स्लाइड नहीं करेंगे एक छोटा सा एग्जांपल ही तो देखना है इनहेरिटेंस वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो बस इसे देखने के लिए हम क्या करेंगे जो भी डिस्प्ले नाम का फंक्शन है उसे हम कॉल करेंगे ठीक है तो बी डॉट डिस्प्ले तो ये बी डॉट डिस्प्ले को अगर आप कॉल करते हैं तो यहाँ पे मैसेज क्या आ जाएगा क्लास ए और एक और तो डिस्प्ले फंक्शन है ना जो क्लास बी में है तो इसका नाम है डिस्प्ले वन तो इसे भी आप कॉल कर लीजिए बी डॉट डिस्प्ले यहाँ पे वाई छूट गया है ठीक है तो अब मैसेज के तौर पे आपको क्या दिखेगा मैसेज के तौर पे आपको क्लास ए और क्लास बी दोनों दिखेगा ठीक है आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्लास ए के अंदर जो ये डिस्प्ले नाम का फंक्शन है ठीक वही डिस्प्ले नाम का फंक्शन हम क्लास बी में क्यों नहीं रखे हैं ऐसा हम इसीलिए नहीं रखे हैं कि अगर सेम नाम कर देंगे इनहेरिटेंस में अगर ऊपर वाला क्लास जो भी बेस क्लास है उसमें अगर कोई फंक्शन अवेलेबल है उसी फंक्शन का नाम अगर ड्राइव क्लास में भी रख देते हैं एकदम हो बहू वैसे ही तो वो ओवर हो जाएगा तो ओवर जब हम लोग पढ़ेंगे ओवर तो वहां पे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं करना चाहिए बस अभी आप इतना ध्यान कि दोनों आ, क्लास के अंदर सेम नाम का कोई फंक्शन ना हो ठीक है इसी के लिए हमने थोड़ा सा अंतर कर दिया है तो ये अभी जो आपको एग्जाम्पल दिख रहा है ये एग्जाम्पल है सिंगल इनहेरिटेंस का ठीक है तो आइए अब हम लोग देखते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देखिए मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में होता क्या है सिंगल इनहेरिटेंस से ज्यादा लेवल का होना चाहिए उसमें मतलब अगर हम इतना देखें अगर डायग्राम में हम इतना देखें तो ये तो सिंगल इनहेरिटेंस है सिंगल इनहेरिटेंस से एक लेवल ज्यादा बढ़ गया तो वो मल्टी लेवल कहलाता है अब एक बढ़ाइए तो या दो बढ़ाइए तो या दस तो, लेवल ज्यादा बढ़ाइए तो मतलब सिंगल इनहेरिटेंस से एक लेवल या एक से ज्यादा लेवल जहाँ बढ़ गया आगे तो वो क्या कहलाएगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस तो इसमें होता क्या है थोड़ा सा हम गौर करते हैं डिफिनेशन को समझने के लिए तो डिफिनेशन में देखिए कैसे लिखा हुआ है लिख रहा है कि इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस ए डराइव क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम अनदर ड्राइव क्लास कहने का मतलब है अगर हम सिंगल इनहेरिटेंस में गौर करें तो एक बेस क्लास को एक ड्राइव क्लास क्या करता था इनहेरिट करता था लेकिन यहाँ पे हो क्या जा रहा है ये ड्राइव क्लास है और ये ये भी एक तरह से ड्राइव क्लास ही है क्योंकि ऊपर वाला बेस क्लास है और ये हो गया ऊपर वाले को इनहेरिट कर रहा है क्लास बी तो ये हो गया ड्राइव क्लास और ड्राइव क्लास को भी फिर आगे इनहेरिट किया जा रहा है एक दूसरे ड्राइव क्लास के थ्रू तो इसी के लिए डिफिनेशन में लिखा हुआ है कि एक ड्राइव क्लास दूसरे ड्राइव क्लास को इनहेरिट करता है इस तरह के केस में तब जाकर उसे कहा जाएगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एक बेस क्लास को एक दूसरा ड्राइव क्लास अगर इनहेरिट करता है तो ये सिंगल इनहेरिटेंस लेकिन ये तो ड्राइव क्लास है और आगे इसको भी एक ड्राइव क्लास इनहेरिट कर रहा है तो इस तरह का जो सिचुएशन होगा इससे हम बोलेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ठीक है अब इसका कोड कैसा होगा तो इसके कोडिंग में कुछ नहीं होगा एक और क्लास आपको बढ़ा लेना होगा और जैसे कि पिछले कोडिंग को अगर हम एक्सटेंड करें उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं ताकि इसके लिए एग्जाम्पल तैयार कर पाए तो हमें क्या करना होगा कि एक और बनाना होगा क्लास क्लास क्या बनाना होगा क्लास सी अब यहाँ पर देखे ठीक इसी स्ट्रक्चर इस के अनुसार अगर हमें चलना होगा तो सबसे जो नीचे वाला क्लास होगा मेरा उसका नाम हम ए रखेंगे ठीक है और ऊपर वाले दोनों क्लास का नाम हम क्या रखेंगे बी और सी तो आइए हम उसको एडिट करते हैं जो सिंगल इनहेरिटेंस बनाए थे और उसी को थोड़ा सा एडिट करके हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल दे देते हैं ठीक है तो इसी डायग्राम के लिए हमें कोडिंग करना है तो सबसे ऊपर वाला जो क्लास है उसका नाम है सी फिर उसके बाद वाला जो क्लास है उसका नाम है बी तो चलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे चेंजिंग कर देते हैं आ, तो एक्चुअली इसमें क्या चेंजिंग करना है इसमें चेंजिंग करेंगे तो फिर सी आउट में भी बदलना होगा हम ही यहीं पे डायग्राम में ही चेंजिंग कर देते हैं आप लोग समझ जाइए ये है क्लास ए और ये है क्लास बी और नीचे वाला क्लास है सी ठीक है ठीक है इसके लिए करते हैं ऊपर वाला क्लास है ए चलिए तो अब हमें क्या करना होगा यहाँ पे एक और क्लास को बढ़ा लेना होगा ठीक है तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं यहाँ से यहाँ तक के लिए तो ऑलरेडी कोडिंग पड़ा हुआ है ठीक है और एक और अब यहाँ से यहाँ तक के लिए हमें कोडिंग करना है तो एक क्लास सी हमें बनाना होगा तो चलिए हम बनाते हैं क्लास सी ठीक है हमने क्लास बना दिया क्लास सी हालांकि क्लास सी क्लास बी को इनहेरिट कर रहा है डायग्राम के अनुसार तो चलिए इनहेरिटेंस कीजिए यहाँ पे पब्लिक पब्लिक कीवर्ड लगाइए और क्लास बी लिख दीजिए ठीक है मतलब बी क्लास बी का नाम लिख दीजिए हो गया आपका इनहेरिटेंस तो अब मेन फंक्शन के अंदर कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना उचित होगा तो मेन फंक्शन के अंदर ड्राइव right क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए हमेशा तो सबसे नीचे वाला क्लास क्या है क्लास सी तो यहाँ पे हम जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो ऑब्जेक्ट होगा क्लास सी का तो बी का हमने यहाँ से बी का नाम हटा दिया और क्लास सी का नाम हो गया और ऑब्जेक्ट का नाम बी हो गया ऑब्जेक्ट का नाम बी ही रहने देते हैं तो हमने किसका ऑब्जेक्ट बनाया क्लास सी का अब यहाँ पे बी डॉट डिस्प्ले डिस्प्ले टू को भी कॉल कर लिए सी क्लास के अंदर है यहाँ पे सी क्लास के अंदर भी तो एक एक फंक्शन है तो इस फंक्शन को फिर कॉल करने के लिए बी डॉट डिस्प्ले टू नाम से इसे हमने कॉल कर लिया अब देख रहे होंगे कि हर क्लास में हम एक मेंबर वेरिएबल बना रहे हैं और और एक मेंबर फंक्शन बना रहे हैं ये मेंबर वेरिएबल हम बस दिखाने के लिए बना रहे हैं कि आप बना सकते हैं आप नहीं भी बना सकते हैं या आप दो चार वेरिएबल और भी बना सकते हैं तो ये बस एक छोटा सा एग्जाम्पल हम बना रहे हैं ताकि आप समझ जाइए कि इनहेरिटेंस का टाइप कैसा होता है और उसके लिए हम कोडिंग कैसे करते हैं ठीक है तो दो टाइप हम लोगों ने देख लिया चलिए अब हम देखते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस तो देखिए अब मल्टीपल इनहेरिटेंस को समझते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस में होता क्या है कि बेस क्लास की संख्या एक से ज़्यादा हो जाता है एक ड्राइव क्लास होता है जो एक से ज़्यादा बेस क्लास से इनहेरिटेड होता है मतलब क्या कि ये ड्राइव क्लास जो है वो एक से ज़्यादा क्लास का गुण अपने अंदर इनहेरिट करता है ठीक है इस क्लास का भी सारा प्रॉपर्टीज़ uh, जो भी इसके अंदर का डाटा मेम्बर है मेम्बर फंक्शन है वो सब इसके अंदर आ जाएगा ठीक उसी तरह से क्लास सी का जो भी मेंबर वेरिएबल है मेम्बर फंक्शन है वो भी इसके अंदर आ जाएगा तो इसमें और ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है दो क्लास का हालांकि देखा जाए तो अगर देखा जाए यहाँ पे मल्टी लेवल जस्ट हमने इससे पहले मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को कवर किया तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में अगर इसका क्लास ए रखते हैं ये बी रखते हैं ये सी रखते हैं तो क्लास ए का गुण क्लास बी का गुण भी दोनों का गुण क्लास सी के अंदर तो आ ही जाता है ठीक है आ जाता है लेकिन देखा जाए तो क्लास ए का गुण क्लास बी के अंदर भी तो आ जाता है यहाँ पे ऐसा नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा बी को किसी दूसरे क्लास का कोई एट्रीब्यूट नहीं मिलेगा मतलब बी किसी से इनहेरिटेड नहीं हो रहा यहाँ पे बी बेस क्लास का रोल निभा रहा है यहाँ पे देखा जाए तो बी खुद भी ड्राइव क्लास है और इसके लिए बेस क्लास है तो यहाँ पे बी को हम बोल सकते हैं एक तरह से ड्राइव क्लास भी है एक तरह से बेस क्लास भी है तो ये बेस क्लास बी सी के लिए बेस क्लास हो गया और बी एक के लिए ड्राइव क्लास हो गया ठीक है तो अब इस अंतर को आप खुद से समझ सकते हैं ठीक है थीके? तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या है कि एक ड्राइव क्लास दो या दो से अधिक बेस बेस क्लास से इनहेरिटेड रहेगा समझ गए एक ड्राइव क्लास केवल एक ड्राइव क्लास दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक बेस क्लास से इनहेरिटेड रहेगा बस इसी को क्या बोलेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो इस तरह का इनहेरिटेंस के लिए अगर हम कोडिंग करना होगा तो वो मेरा कोड कैसा होगा तो आइए उसको देखते हैं तो देखिए ये जो कोड है इसी कोड को हम थोड़ा सा एडिट करके हम वैसा बना देते हैं तो हमें करना क्या होगा थोड़ा सा इस चीज़ को देखिए यहाँ ये जो आपको कोड दिख रहा है ये मल्टी लेवल के लिए है मतलब ए को इनहेरिट किया बी बी को इनहेरिट किया सी ठीक है ए को इनहेरिट किया बी बी को इनहेरिट किया सी ठीक है ये एकदम लेवल में चल रहा है लेकिन अब हमें क्या करना है हमें करना है मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए तो ए बी सी तीन क्लास है तो ए किसी और को इनहेरिट नहीं कर रहा है बी किसी और को इनहेरिट नहीं कर रहा है लेकिन सी ए और बी दोनों के इनहेरिट कर रहा है तो बस थोड़ा सा बदलाव कर दीजिए बदलाव कहाँ करना है बदलाव हमें यहाँ करना है तो चलिए अब हम उसके लिए बदलाव करते हैं पहले क्या करते हैं मिटा देते हैं जो भी अभी हमने लिखा ठीक है हाँ तो अब हमें क्या करना होगा बदलाव में क्या करना होगा यहाँ से ये इनहेरिटेंस को हटा देते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है तो बी क्या हो गया किसी से इनहेरिटेड नहीं है अब सी सी ही तो ए और बी को इनहेरिट करेगा हाँ तो सी यहां पे बी को इनहेरिट कर रहा है और साथ में कॉमा लगाकर फिर पब्लिक की लगाइए और ए लिख दीजिए मतलब अब जो सी है वो बी को भी इनहेरिट कर रहा है और ए को भी इनहेरिट कर रहा है तो ए सी ए का सारा गुण सी ले लेगा और बी का भी सारा गुण सी लेगा ले तो इसका जो डायग्राम होगा वो डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा ये हो गया ए ये हो गया बी और इसके सारे गुण और इसके सारे गुण को सी इनहेरिट कर रहा है और बाकी सब कोडिंग आपका उसी तरह से रहेगा ठीक है तो ये रहा मल्टीपल इनहेरिटेंस का कोड ठीक है कहा हमने बदलाव किया आपने देखा ठीक है बस वहीं पे बदलाव करके आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस बना लेना है ठीक है अब आइए इसके बाद हायरार्किकल इनहेरिटेंस देखते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस के ठीक उल्टा होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस देखिए हायरार्किकल इनहेरिटेंस ठीक मल्टीपल इनहेरिटेंस के उल्टा है मल्टीपल में हमने क्या पढ़ा ये ए है और ये बी है और एक सी सी क्या कर रहा है ए को इनहेरिट कर रहा है और बी को भी इनहेरिट कर रहा है मतलब एक ड्राइव क्लास केवल एक ड्राइव क्लास रहेगा और ये जो ड्राइव क्लास है मोर देन वन बेस क्लास से इनहेरिटेड रहेगा मतलब दो या दो से अधिक बेस क्लास से इनहेरिटेड रहेगा और ठीक इसी चीज़ को देखिए उलट दिया गया तो ये बन गया यहाँ पे केवल एक बेस क्लास होगा और एक बेस क्लास को एक से ज़्यादा डराइव क्लास इनहेरिट करेगा एक बेस क्लास को एक से ज़्यादा डराइव क्लास इनहेरिट करेगा ठीक है तो वही चीज लिख रहा है इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस मोर देन वन डराइव क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम सिंगल बेस क्लास ठीक है अब आप समझ रहे हैं तो अब इसके लिए अगर कोडिंग करना होगा इसके लिए अगर हमें कोड लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे तो आप गौर कीजिए बी को इनहेरिट कर रहा है ए बी को इनहेरिट कर रहा है सी तो इस तो हमें क्या करना होगा कोड किसके लिए लिखना होगा बी किसी को इनहेरिट नहीं करेगा बी एक अकेला क्लास अलग रहेगा ए रहेगा जो बी को इनहेरिट करेगा मतलब ए कोलोन पब्लिक बी लिखेंगे फिर उसी तरह से सी कोलोन पब्लिक बी लिखेंगे इस तरह से करके हम चलेंगे तो ड्राइव क्लास की संख्या यहाँ पे क्या होगी दो तो मेन फंक्शन के अंदर हम दोनों ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आइए इसके लिए आप कोडिंग करते हैं तो अब हमें क्या करना होगा यहाँ पे हम क्या करते हैं कुछ चीज़ को मिटाते हैं तो चलिए सबसे पहले हम आपके लिए यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं डायग्राम मेरा अब कुछ ऐसा है एक है बेस क्लास बेस क्लास है ए और दो है ड्राइव क्लास ड्राइव क्लास है बी और सी बी ए को इनहेरिट कर रहा है और सी भी ए को इनहेरिट कर रहा है तो अब देखिए यहाँ पे आपको इनहेरिटेंस करना होगा यहाँ पे कॉलोन लगाइए लिखिए पब्लिक और यहाँ पे लिख दीजिए ए ठीक है बी अब एक को कर रहा है उसी तरह से यहाँ पे सी भी एक को कर रहा है तो सी कोलोन पब्लिक और यहाँ पे लिख दीजिए ए चलिए हो गया इनहेरिटेंस हो गया तो अब मेन फंक्शन में आइए तो मेन फंक्शन के अंदर अब हमको थोड़ा सा बदलाव करना होगा ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो एक सी जो क्लास है है उसका एक तो ऑब्जेक्ट बी बन गया है लेकिन अब हमें एक और ऑब्जेक्ट बनाना होगा वो किसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा आ, क्लास बी का तो चलिए ये काम भी करते हैं तो अब हमको यहाँ पे भी थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा ठीक है यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया मॉडिफाई कर दिया और यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं ऑब्जेक्ट का नाम क्या रहेगा बी और ऑब्जेक्ट का नाम अब कुछ दूसरा दे दीजिए यहाँ पे ए ठीक है ठीक है और यहाँ पे कल ब्रेसेस को थोड़ा देर के लिए हम यहाँ से हटाते हैं अब यहाँ पे क्या करना होगा ए डॉट डिस्प्ले डिस्प्ले फंक्शन को ए के साथ कॉल किए फिर ए डॉट अब बी के अंदर अब यहाँ पे बी के अंदर डिस्प्ले वन है तो डिस्प्ले वन को कॉल कीजिए डिस्प्ले वन ठीक है इसको हमने कॉल किया देखिए अब यहाँ पे कैलिब्रेशन इसका बन लेकिन यहाँ पे जो डिस्प्ले वन है इसको आपको टू करना होगा क्यों टू करना होगा ये जो सीन है ये इसको तो एक्सेस कर सकता है लेकिन इसको एक्सेस नहीं कर सकता है क्यों क्योंकि सी केवल ए को इनहेरिट किया है ना तो या तो अपना भी कॉल करे और साथ में जिसको इनहेरिट किया हो उसको कॉल करे तो इसका अपना जो है इसका नाम है डिस्प्ले टू तो इसी के लिए यहाँ डिस्प्ले टू करना होगा ठीक है अब आप समझ रहे हैं तो चलिए तो ये जो एग्ज़ाम्पल है ये एग्जाम्पल है किसका हरा का तो अब इसके बाद हम आते हैं इसके बाद एक और टाइप है जो बच जाता है इसका नाम है हाईब्रिड इनहेरिटेंस तो हाई इनहेरिटेंस में होता क्या है जो अभी हमने जो टाइप जो पढ़ा उस वो जो टाइप है उसमें से कोई दो टाइप उठाकर एक इनहेरिटेंस आप बना लीजिए तो वो हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहलाएगा अगर हम इसको देखें तो इसमें एक है, है हायरार्किकल इनहेरिटेंस और दूसरा है सिंगल इनहेरिटेंस तो हरार्किकल इनहेरिटेंस और सिंगल इनहेरिटेंस का ये मिक्सचर है तो ये पूरा का पूरा इनहेरिटेंस क्या कहलाएगा हाइब्रिड इनहेरिटेंस और इसके लिए कोड हम नहीं लिखेंगे ठीक है ये आपके लिए होमवर्क है आप इसके लिए कोड लिखिएगा कि हाइब्रिड का कोड कैसा होगा हाइब्रिड का कोड कैसा होगा ट्राई कीजिए कि हाइब्रिड का कोड कैसा होगा अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट में लिखिएगा कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल नहीं बन पा रहा है तो फिर हम उसके लिए कोड टाइप कर देंगे ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू